लोकसभा सांसद तारिक अनवर ने संसद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तारिक ने यह फैसला राफेल डील पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार से असहमति के बाद दिया है। वरिष्ठ एनसीपी नेता तारिक अनवर ने छोड़ा शरद पवार का साथ। तारिक अनवर ने पार्टी की सदस्यता और लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है और वजह बताया है शरद पवार के उस बयान को जिसमें उन्होंने राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री का बचाव किया था। राफेल डील पर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित पक्ष लिए जाने से नाराज पार्टी के महासचिव और कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने पार्टी छोड़ दी है। तारिक अनवर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से राफेल डील सौदे में लिप्त हैं और वे अभी तक अपने को पाक साफ साबित करने में विफल रहे हैं। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में दिए गए बयान से राफेल डील में घोटाले की पुष्टि होती है। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष शरद पवार का बयान नरेंद्र मोदी के बचाव में है जिससे मैं पूरी तरीके से असहमत हूं और मैं पार्टी और लोकसभा सीट से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि तारिक अनवर ने कहा कि शरद पवार का मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, लेकिन इस मुद्दे पर उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बयान से मैं आहत हूं और मैंने ये कदम उठाया है। तारिक अनवर का एनसीपी से लंबा नाता रहा है। साल 1999 में कांग्रेस की कमान जब सोनिया गांधी ने संभाली तो शरद पवार, तारिक अनवर और पीएस संगमा ने पार्टी से बगावत कर दी थी। इन तीनों नेताओं ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल को मुद्दा बनाया था। इसके बाद तीनों नेताओं ने मिलकर एनसीपी का गठन किया था। हालांकि बाद में यूपी की जब केंद्र में सरकार बनी तो एनसीपी कांग्रेस के साथ आ गई थी। जाहिर है बिहार से कटिहार से सांसद रहे तारिक अनवर का इस्तीफा ऐसे वक्त आया है जब बिहार में महागठजोड़ को लेकर नए सियासी समीकरण बनकर उभर रहे हैं। ऐसे में तारिक अनवर की नई सियासी पारी पर तो निगाहें रहेंगी ही। कैमरामैन विद्या ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।